हरे कृष्णा।
भक्तों का हार्दिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगत संघ इस्कॉन विरार के ओर से प्रस्तापित यह श्रीमद् भागवतम सप्ताह कथा अनुष्ठान के सातवें दिन मैं आया आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा भरत सुंदर जी के, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी के, श्री श्री गौरनीताई के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। बड़ा हर्ष उल्लास और आनंद का अनुभव हो रहा है सात दिन के इस कथा में अनेक अनेक भक्तों के साथ बना मिलने का अवसर भी मिल रहा है। और ये लॉकडाउन के बाद लगभग 2 साल के बाद सब भक्तों से फिर से खुल के मिलने का मौका मिला है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद। तो कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे। तो आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं, श्री श्री राधा भरत सुंदर जी, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनीताई, इनके और इनके परिकर से, इनके कृपा से, परमानंद कंपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च कृष्ण सेवा है वह सत्संग का श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, ये भागवत विधि का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा भक्त सुंदर जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनीताई जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, जो कि प्रातः स्माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, वो गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय, पूजनीय और स्माननीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान गुरु भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब भक्तों से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा करे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा के ओर अग्रसर होते हैं, आज के सत्र को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है, यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है, यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है, यह श्रीमद् भागवतम
कि एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम द्वारा भरा हुआ है। ये श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह अमर पुराण है, ये भगवान साक्षात है, भगवान का वाणमय स्वरूप है। यह परमहंस संहिता, परमहंस चक्र, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुसुताल में आमरण अनशन व्रत पर आए हैं। परीक्षित महाराजियों को अनेक कथा श्रवण कराते 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 वे उन भगवान वामन देव के दिव्य जन्म का वर्णन करते हैं और उनके दिव्य कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। हम सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज जो कि पिछले युद्ध में बुरी तरह से मारे गए थे, मृत हो गए थे, पर शुक्राचार्य उनको शरीर को फिर से जीवित कर संजीवनी इत्यादि अमृत के ये कला शुक्राचार्य के पास भृगु वंश में आने वाले श्रेष्ठ शुक्राचार्य के पास इनके इस आभार को कभी भूले नहीं बलि महाराज। और इतना धन और इतना सेवा ब्राह्मणों के प्रति किया जिससे शुक्राचार्य और ब्राह्मणों ने ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा कि बोलो कुछ मांगिए, तब उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग के पर जय प्राप्त करना है। स्वर्ग के पर जय बलि महाराज महाजन शुद्ध भक्त क्यों मांगे, भोग करने के लिए नहीं। वो यह चाहते थे कि इस स्वर्ग से और अच्छे तरह से भगवान का सेवा हो। और प्रहलाद महाराज उनके दादाजी ने भी आशीर्वाद दिया, अनुमति दिया। अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद, प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद और इन सब से वे आध्यात्मिक बल प्राप्त करके ऐसा तेज उनके जीवन में आया कि अब स्वर्ग पे हमला करने के लिए तैयार हो गए। बलि महाराज के साथ बलि महाराज के जितने भी असुर साथी थे वे भी बहुत बल प्राप्त किए थे और स्वर्ग को वे बिना लड़ाई जीत गए। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु बनते हैं, गुरु हैं, वे तुरंत देवताओं से कहा अब आप लड़ने के बारे में सोचे मत, भागे 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 अदृश्य हो गए वहां से। पूरा स्वर्ग और उनका संपत्ति को छोड़ के भागे, यह है भौतिक जगत। कभी भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है, छोड़ के भागे। स्वर्ग तो स्वर्ग भौतिक, यहां पर भी हम देख सकते हैं बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति। जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था तो बड़े बड़े धनी व्यक्ति पाकिस्तान छोड़कर आए, करोड़पति व्यक्ति। अफगानिस्तान से कुछ लोग भारत आए, थे करोड़पति अफगानिस्तान में, अरबपति थे भारत। भौतिक जगत में स्वर्ग या कोई स्थान के लिए लड़ाई होना नहीं चाहिए। इसमें बहुत मेहनत भी है और बहुत परिश्रम भी है
पर उसी मेहनत और परिश्रम से थोड़ा सा भगवान का भजन अगर कर ले और इस कलयुग में खास करके भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, थोड़े ईमानदारी के साथ तो तक्षण अपार वो स्वर्ग से भी ज्यादा भगवान का धाम हमें प्राप्त होगा। अब आगे हम देखा किस प्रकार से देवताओं की माँ अदिति उनसे रहा नहीं गया। माँ तो माँ है पर वो माँ अपने पति देव के आगमन के लिए रुकी थी। अब जब कश्यप मुनि आते हैं वो फूट फूट कर रोती है और कहती है कि उनके पुत्र को वापस स्वर्ग प्राप्त हो और बलि महाराज और दीदी के वंश में जितने भी असुर हैं उनका नाश हो। कश्यप मुनि को बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इतने बड़े संत मुनि और गुरु और पति प्राप्त करके भी इनका मन संसार में ही लगा हुआ है, बड़ा हैरानी की बात है। हम सब प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव आचार्य के संग में हैं, महान गुरु को भी प्राप्त किए हैं, फिर भी संसार में हमारा मन लगा हुआ है। अहो माया, ये माया का क्या बल है? देखिए इतना श्रेष्ठ उत्कृष्ट संग प्राप्त होने के बाद भी माया जो है कैसे मन को, लोगों का मन को संसार में मिलाती है। वो अपना हित चाहती है और उनका अहित चाहती है, फिर भी कहा कि जो भी है ये जो है दोष है, ये जो है कमी है और ये कमी केवल भगवान के द्वारा पूरा किया जाएगा, भगवान का भक्ति के द्वारा पूरा किया जाएगा। जैसे हमने बताया कि चाहे कोई कितना भी निकृष्ट हो, चाहे कोई कितना भी नगण्य हो, चाहे कोई कितना भी जो है तुच्छ क्यों ना हो, पर भगवान बहुत ही उत्कृष्ट है, भगवान श्रेष्ठ है, भगवान उत्तम है और उनका भक्ति भी श्रेष्ठ है। इसीलिए अगर कोई कहे देखो 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 सौ चूहे का कर सौ चूहे का कर बिल्ली हज चली तो जाने दो, रोको मत, अगर रोकोगे तो और हजार खाएगी। या कोई कहे मुंह में राम बगल में चूही, तो राम का नाम ले ले तो उसके हाथ में चूही हो या चाकू हो या तलवार हो या बंदूक हो या मिसाइल लॉन्चर हो या रॉकेट लॉन्चर हो या एटम बम हो, छूट जाए, समय की बात है। राम नाम का प्रभाव है, रोको मत, नहीं तो चूही लेकर और प्रोटीन को हरी हो गया। या कुछ लोग बोलते हैं कि राम नाम जप नाम पराया महा, अरे राम नाम जपने दो, राम नाम जपने दो, भले वो पराये परायमान लेता भी हो, एक समय आएगा उनका हृदय ऐसा परिवर्तन हो जाएगा वो अपना पास जो भी आया है वो भगवान का है समझ जाएंगे और भगवान को अर्पण कर देंगे। तो रोको मत, रोको मत। तो भगवान का भक्ति में इतना शक्ति है तो 12 दिन का द्वादश ये जो पयोव्रत का अनुष्ठान का उन्होंने जो है विधि बताया। धन्य है अदिति माता जिन्होंने इस विधि को बड़े ध्यान से विधि पूर्वक 12 दिन हर प्रकार के तंद्र यानी कि तंद्रा को छोड़कर आलस को छोड़कर
बड़ी तीव्रता के साथ इस विधि पर निकलती। साधकों के लिए एक बहुत बड़ा सीख है इसमें। हम भक्ति में लगे हुए हैं, दीक्षा ले चुके हैं, सबसे श्रेष्ठ मंत्र का जप भी कर रहे हैं, फिर भी जैसे थे वैसे नहीं, नहीं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे। पर अदिति माता ने तंद्रा को छोड़ दिया, वो तीव्रता जो है, वो तीव्रता जो है वो रहस्य है भक्ति में। 12 दिन के इस विधि को पालन किए तो कहते हैं कि ये जो है फाल्गुन मास के जो शुक्ल पक्ष के प्रतिपात से आरंभ होकर द्वादशी तक चलता है। त्रयोदशी के दिन चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनको बताया कि ये इस प्रकार से योजना हमें करना है और मैं आऊंगा और जरूर आपके पुत्र को स्वर्ग का राज दिलाऊंगा। और बड़े धीमे ध्वनि से बोलते हैं और बलि महाराज को कुछ नहीं बताऊंगा उनका एक इच्छा पूरा कर देते हैं, यानी कि स्वर्ग का राज्य दे देते हैं। और ये नहीं बोलते कि बलि महाराज और बलि महाराज के पक्ष में किसी का वध नहीं होगा, पर वो एकदम धीमे बोलते हैं। पर देखिए भक्ति का क्या शक्ति है। वो माँ जिसके अंदर इस प्रकार का एक प्रकार से गुस्सा था, एक दोष है, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अच्छे हो और बाजू वाले के नाश हो, इस प्रकार का दोष है, फिर भी भगवान के भक्ति में ऐसा शक्ति है कि भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनके भक्ति के, उनके इस व्रत के अनुकूल वो प्रकट हुए, आशीर्वाद दिए, बोले कि मैं आऊंगा। ये तो फाल्गुन मास के त्रयोदशी का दिन और भगवान प्रकट होते हैं 12 मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के, इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं, श्रावण द्वादशी भी कहते हैं, विजय द्वादशी भी कहते हैं, अभिजीत नक्षत्र भगवान प्रकट हुए। तो ये हम जो विधि में लगे हैं, इतना श्रेष्ठ उत्कृष्ट विधि में लगे हैं, हमें चाहिए कि अदिति माता जो है, भले वो जैसे भी है, हम उनसे बुरे हो या अच्छे हो, पर सीख ये है अगर हम उस प्रकार का तीव्रता हमारे जीवन में लाएंगे तो सच में भगवान प्रकट होंगे। ध्रुव महाराज के जीवन में 6 महीने में प्रकट हो गए, था वो छोटा सा बालक। और इसी छठे स्कंद में वर्णन आता है कि एक साल तक दीदी जो है उन्होंने भी तप किया था और भगवान प्रसन्न होकर उनके लिए जो है बहुत सारे संतान उत्पन्न किए, कितने 49 मालूम। और उनके अंदर जो क्रोध था वो चला गया। और इसी छठे स्कंद में ये भी वर्णन आता है कि चित्रकेतु इतना लोभी था एक पुत्र प्राप्त करने के लिए, उन्होंने एक शादी किया नहीं हुआ, फिर 10 शादी किया नहीं हुआ पुत्र, फिर 100 शादी किया, 100 पत्नी हुए फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं किया, फिर और आगे 1000 उन्होंने पत्नी बनाया फिर भी पुत्र नहीं आया, फिर उन्होंने 10,000 शादी किया फिर भी पुत्र नहीं हुए, फिर 1,00,000 उन्होंने पत्नी बनाई फिर भी पुत्र नहीं हुए, फिर उन्होंने 1,00,00,000 पत्नी बनाई फिर भी पुत्र नहीं। नारद मुनि आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उस मंत्र के द्वारा उन्होंने 7 दिन में भगवान को प्राप्त किया। 7 दिन
उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ध्रुव महाराज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अदिति माता जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 7 दिन में वे भगवान को प्रकट किया। प्रभुपाद जी से एक बार एक शिष्य ने पूछा, ये जितनी भी बातें हम जब बोलते हैं प्रभुपाद जी ने से ऐसे चर्चा हुआ, ये लगभग 50 साल पहले की बात है, लगभग 50 साल पहले की बात। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा, बोला कि शुद्ध भक्त बनने में कितना समय लगता है, या भगवान को प्राप्त करने में कितना समय लगता है। प्रश्न अच्छा है और ये प्रश्न करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, चुटकी बजाने का समय है। कितना? चुटकी बजाने का समय। अगर हम तक्षण पूरी तरह से भगवान के प्रति तीव्रता प्रकट करेंगे, वो भगवान प्रकट हो जाएंगे तक करके, हमारी ओर से वो तीव्रता होगी तो भगवान की ओर से और तीव्रता होगी। हम एक कदम भगवान की ओर लेंगे तो कहते हैं ना भगवान 10,000 कदम लेंगे, तो हम अगर वो तीव्रता 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 दिखाएंगे तो भगवान तो तत्पर है। जय श्री गोविंदाय की जय, स्वामी की जय। तो हमारी ओर से भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है, भगवान की ओर से वो तीव्रता हमारे अंदर होना चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते तत्र लौल्यम एकमात्र मूल्य, तत्र लौल्यम एकमात्र मूल्य, जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते तत्र लौल्यम। लौल्यम का अर्थ होता है तीव्रता, वो तीव्रता होना चाहिए। चलता है चलेगा, ये नहीं चलेगा तो अनेक अनेक जन्म है, चलेगा चलता चलेगा चलता चलेगा, नहीं तीव्रता होना चाहिए। मैं और भक्ति में आगे कैसे, और भक्ति में आगे कैसे, और भक्ति में, और भक्ति में मैं और अच्छा भक्त कैसे सर, मैं और कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, मैं और कैसे जो है हरि नाम का जप अच्छी तरह से करूं, मैं और कैसे शास्त्र का अध्ययन और अच्छी तरह से, मैं और कैसे भक्तों को अच्छी तरह से प्रसन्न करूं सेवा के माध्यम से, मैं और कैसे अर्च विग्रह का सेवा अच्छी तरह से करूं, मैं और कैसे अपने घर को अच्छी तरह से धाम बनाऊं। वो तीव्रता है, वो है तीव्रता। एक बार एक शिष्य गुरुदेव बराबर बोले तीव्र भक्ति करो, तीव्र भक्ति करो, तीव्र भक्ति। बोला गुरुदेव तीव्र भक्ति का अर्थ क्या होता है, तीव्र भक्ति का अर्थ क्या होता है? तो बोला तीव्र भक्ति का अर्थ होता है जिस प्रकार से एक बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है, वो गाय माँ जब दूर चली जाती है तो वो माँ 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 के लिए तरसती है, वो है तीव्रता। मैं समझ में नहीं आया तो बताए, जिस प्रकार से एक वृक्ष में घोंसला होता है, पंछियों का घर को घोंसला होता है, और माँ और पिता पंछी जो है वो उड़कर जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ के आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, माँ 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 करके। वो बच्चे के अंदर जो पुकार है, वो तड़प है, उसको कहते थे तीव्रता। वो भी बोला कुछ बात ठीक से समझ नहीं आ रहा, तो बोला क्या है तीव्रता? तो बोला जिस प्रकार से एक साध्वी, एक सती, एक पवित्र देवी स्त्री पत्नी, इनका पति जब उनका पति जब विदेश जाते हैं तो वो अपने पति के विरह में तड़प अनुभव करते हैं, वो कब आएंगे, अब कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। वो जो तड़प है वो साध्वी के अंदर, साध्वी आजकल के वो तो और इंटरनेट में पिक्चर देखेंगे, चलो आया नहीं तो बहुत अच्छा, वो बोलेगा और पैसा भेजो, फिर क्या बोलते हैं वो टोमेटो या जोमेटो को बुलाएगा बोले खाने का भी वादे नहीं है, तो बोले नहीं है ना, अच्छा
और दो तीन साल का और दुबई वुबई में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी या तो वही कि रोने का नाटक करे मैं, पर अंदर से अंदर खुश रही, पर सातवीं होती है वो तड़पती है कब आएगा कब आएगा कब आएगा उस प्रकार। फिर भी ये शिष्य को पता नहीं लग रहा। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कल एकादशी है, कल एकादशी है, सुबह आ जाओ। हम लोग एकादशी के दिन नियम है कि नदी में स्नान करना होता है, तो अपने शिष्यों के साथ नदी गए थे स्नान करने के लिए, और नदी गए स्नान करने के लिए सबने दंडवत प्रणाम किया, नदी को प्रणाम किया, फिर जल को सर पे दाहिने हाथ से सर पे लगाया, फिर बाद में दाहिने पांव को नदी में डालकर डुबकी लगाया, गुरुदेव डुबकी लगा के आए थे, शिष्य सब करने लगे। जैसे कि जो है जिज्ञासा उस शिष्य जो कह रहा था कि तीव्रता क्या है, तो वो जैसे डुबकी लगाया तो दो पहलवान उसके कंधे पे हाथ लगे, वो पानी में था, पानी से बाहर अब आ नहीं पा रहा था, वो ऐसे तड़प रहा था, ऐसे तड़प रहा था, ऐसे तड़प रहा था, अब उसका सांस निकल नहीं पा रहा था, तो शरीर को ऐसा झटका दिया कि दो पहलवान निकल गिर गया। वो चिल्लाया गुरुदेव ये क्या है, ये एकादशी का व्रत है या मर्डर का प्लान है? मैं तो सोचा ये भक्त है पर ये तो मेरा जान ही ले रहे हैं। बोले हुआ क्या हुआ क्या सामने आओ, हुआ क्या? अरे मैं जिंदा बचा जान बची ना, हुआ क्या? अरे वो पहलवानों ने ऐसे दबा के रखा, तो दबा के रखा तो क्या हुआ? शरीर में ताकत आया कि दो पहलवान को मैंने बिता दिया, नहीं तो मेरा भी हरी बोल हो जाता। क्या तड़पने लगा तड़पने लगा, हाँ वो एक और सांस लेना था, और वो सांस लेने के लिए मुझे जरूर यहां से उठना चाहिए था। उस वक्त जो तड़प था उस तड़प के कारण ऐसा शक्ति शरीर में आया कि दोनों पहलवान भी हमें मिल गए। तो बोला बस यही है तड़प। जिस प्रकार से आप जो है आखिरी सांस जब आया तो उस सांस प्राप्त करने के जो तड़प था, कितना भी रुकावट है उस रुकावट को आप तोड़ के निकल जाते, उस प्रकार का तड़प हमारे अंदर होना चाहिए। जितना भी रुकावट भगवान से मिलने के लिए आता है उसे तोड़ के भगवान को हम अपने आप मिलेंगे। और अगर ये जो है रुकावट बहुत ही होगा, अगर उस प्रकार का तड़प होगा, अगर हम उस रुकावट को नहीं तोड़ पाए, भगवान उस रुकावट को तोड़कर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये है तीव्रता, तो इस प्रकार का तीव्रता अदिति देवी में पाया गया था, इस प्रकार का तीव्रता चित्र केतु के अंदर पाया गया था, इस प्रकार का तीव्रता तो हमारा हमारे ऊपर चुटकी बजा कर हम भगवान से मन से चाहिए। भगवान को तड़प रहे हैं हमसे मिलने के लिए, भगवान को तड़प रहे हैं, पर कमी हमारी ओर से है, हम कट्टी पर करके बैठे हैं। हम बोलते हैं आप अपने धाम पर डांस करो, हम यहाँ पर डांस कर रहे हैं, पर हम डांस करने का प्रयास कर रहे हैं पर हमारे टांगे टूट जाते हैं, नाचना जाने आंगन टेढ़ा बोलते हैं। बोलते हैं अरे भगवान आप इतना अच्छा डांस करते हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ का स्टेज अच्छा है, ये भौतिक जगत का स्टेज ठीक ही है, और पुनरभि जननम पुनरभि मरणम। तो ये है हमारी ओर से कमी है, हम भगवान से रूठ गए हैं, हमने अपना संबंध भगवान से तोड़ दिए हैं, पर अब वही संबंध को बनाने के लिए अगर हमारे अंदर तड़प होगा तो भगवान जरूर आएंगे। तो अदिति देवी जो है भगवान को देखकर प्रसन्न हो गई, और भगवान ने वादा किया कि मैं जरूर आऊंगा। पर अभी आपको क्या करना होगा, जिस प्रकार से आपने मेरा सेवा किया 12 दिन, अब आपके पति का सेवा करना होगा। अब भगवान खुद कह रहे हैं कि आप अपने पति का सेवा करो, और अदिति माता तो अभी बहुत खुश है। दो कारण, एक तो भगवान का दर्शन हुआ है, तो दूसरा कारण
भगवान ने कहा उनके पुत्र बनकर आएंगे। अब अदिति देवी जो है मैंने कश्यप मुनि का सेवा आरंभ कर दिया, बड़ा इतना सेवा करने लगी। अभी कश्यप मुनि सोचने लगा अरे पहले जितना सेवा करती थी बड़े प्रेम से, अब तो बहुत ज्यादा प्रेम से चले, इतना परिवर्तन इतना जल्दी कैसे हुआ? जरूर दाल में कुछ पर उन्होंने ध्यान लगाया तब पता लगा अरे दाल में वो काला है, वो काली काला नहीं वो कालिया है, वो जगन्नाथ है। तो बहुत खुश हो गया कश्यप मुनि ध्यान में, ऐसा नहीं कि कश्यप मुनि को पूछना पड़ा देवी आप इतना खुश क्यों, इतना अच्छा सेवा क्यों कर रही हो? तो जान गए और उनको अनुभव हुआ कि भगवान उनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं और साक्षात भगवान उनके हृदय से देवी अदिति के हृदय में गए और अदिति के हृदय से। जब ये हो रहा था ब्रह्मा जी स्वयं अदिति के आश्रम में आते हैं और अदिति और कश्यप मुनि को प्रणाम करते हैं और स्तुति करते हैं। यह है भगवान का आगमन, है ना? आजकल हर कोई भारत में खास करके प्रभुपाद जी कहते हैं भारत अमेरिका इत्यादि में बहुत कुछ फैक्ट्री बन रहा है, बहुत कुछ बनता रहता है, पर भारत में एक फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, वो है भगवान बनाने का फैक्ट्री। आए दिन नहीं भगवान आते हैं, विराट से भी दो तीन भगवान आए, मैंने सुना विराट में भी दो तीन भगवान और बांद्रा में भी दो तीन भगवान बैठे। तो आए दिन भगवान आते हैं, पर इन भगवान का जब जन्म होता है या जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तो क्या इस ब्रह्मांड के जो सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ जो अधिकारी हैं आए थे उनका स्तुति करने के लिए? अरे वो तो छोड़ो, एक मच्छर क्या उनका स्तुति करने आए थे? मच्छर जरूर काटने आया होगा, खून चूसने आया होगा, स्तुति तो नहीं किया होगा। तो ये है। और जैसे भगवान प्रकट हुए तो भगवान जो है अपने शंख गदा पर धारण करके आए थे ये, और पीताम्बर वस्त्र धारण करते थे, इतने सुंदर लग रहे थे वो पीताम्बर भी चम 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 चमक रहा था, ये दिव्य वस्त्र धारण करते थे। और अगर कोई भगवान कथा करते जन्म लेते हैं तो उनके जन्म समय का फोटो अगर लिया होता तो देखेंगे कि उनके पास चम चम चमकने वाला सूट छोड़ो एक लंगोट भी होगा तो मान लेंगे। और यही चतुर्भुज नारायण जो है उनके जो है अनेक अनेक जो है जन्मों का कथा भी बता, या तो वो भगवान वगैरह कथा करते भगवान जन्म भी लेते हैं उसको पता भी नहीं, उनका माँ का नाम मुझे पूछना पड़ता है उसको, फिर पिताजी को वो भी पता नहीं उनको पता नहीं। पर ये भगवान जो है जैसे कृष्ण जो है जब प्रकट हुए थे चतुर्भुज नारायण वे बताए तीन जन्म आपका ऐसा गया। तो यह है भगवान असली भगवान। और जैसे थोड़े देर के बाद जब कश्यप मुनि और अदिति को पता लगा कि भगवान आ गए हैं तो देखते ही देखते प्रभुपाद जी तात्पर्य मिलते, जैसे एक कलाकार अपना वेश बदल देता है भगवान चतुर्भुज नारायण से एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं। देखते ही देखते उनका जात करने हुआ, फिर उतना संस्कार भी तुरंत हुआ और स्वर्ग से सीता लोग जो है वर्षा करने लगे और गाने लगे केशव त्रिता वामन रूपा Hey, hey, hey.
यह है भगवान का दिव्य जन्म। जानना चाहिए कि भगवान क्या लक्षण हो। हर कोई कहता है कि मैं भगवान, तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए, कौन उनका स्तुति कर। अब भगवान का दिव्य कर्म आते ही इनका जो है अपना संस्कार हुआ, और उस संस्कार जब हो रहा था बातें चल रही थी, देखो 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 ये स्वर्ग नर्मदा नदी है, उसके उत्तर के और बलि महाराज जो है बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं, और वो जो है इतना सुंदर, इतना वैभवशाली, इतना अलौकिक विलक्षणमय यज्ञ है। तो वामन भगवान देव जो है छोटा सा बालक, वो सुनते हैं, वो तो सब कुछ सुनते हैं, फिर भी अरे बलि महाराज पर वो अपने माँ अदिति को दंडवत प्रणाम करते बोलते माँ मैं भीख मांगने जाऊं। उनकी माँ तो हाँ देते, क्योंकि उनको पूरा योजना का पता है। और भगवान जब आते हैं उस सभा में बलि महाराज के, तो कहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी माँ के यजमान थे, और जितने भी माँ के लोग थे, वो सब सोचते थे ये तेजस्वी पुरुष कौन है, ये तेजस्वी बालक कौन है, ये साक्षात अग्निदेव है। किसी का नहीं, नहीं नहीं ये तो साक्षात सूर्य देव है, कोटि कोटि सूर्य किस प्रकार से चमक रहे, वैसे चमक रहे थे। ऋषि ने कहा नहीं नहीं ये चार कुमारों में से एक है। चार कुमारों का जब वर्णन आता है तो उनके शरीर से भी इतना तेज आता है, क्योंकि वे जो है वो जब सर पे जाता है तो रोशनी आता है, तो इस प्रकार से चार कुमार में तेज लग रहे थे। फिर जब एक एक पग ले रहे थे, पूरे पृथ्वी जो है वो कंपित होने लगी, हालात के साथ आनंद के साथ पृथ्वी माँ बहुत खुश हो गया। और जब बलि महाराज ने देखा, एकदम से उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया, आदो श्रद्धा तथा साधु सम भजन क्रिया आनंद निवृत्ति निष्ठा भाव प्रेम जागृत हो गया। बोला इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, ये साक्षात परम सुंदर, घन सुंदर, नीली सुंदर जो है श्याम सुंदर, मैं इनको सब कुछ दूंगा, मैं इनको सब कुछ दूंगा। मन में उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं सब कुछ निचाना कर। यह है प्रेम। जब प्रेम हो जाता है संसार में भी, लोग क्या बोलते हैं, चांद चुरा के काम बोलते हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो प्रेम करता है वो अपने प्रेमिका का नाम रटता है, लेता है, जैसे रोमियो जूलियट का नाम लेता है, जूलियट रोमियो का नाम लेता है, लैला मजनू का नाम लेता है, मजनू लैला का नाम लेता है, हीर रांझा का नाम लेता है, रांझा हीर का नाम लेता है, क्योंकि यार है इश्क। तो नाम लेते हैं। इसी प्रकार से बलि महाराज ने देखा ये सुंदर वटू मामा है, तो उनका नाम रखने लगे। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में बातें थोड़ा अलौकिक हैं। हम सुनते हैं शास्त्र में गुरु साधु से कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, और हमें पता है कि हमारा भगवान से प्रेम नहीं, पर गुरु साधु शास्त्र एक ही सारा जो है एक ही बात कहते हैं, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो हम बोलते हैं हमारे अंदर प्रेम नहीं, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, जैसे रोमियो जूलियट का नाम जूलियट। पर गुरु साधु शास्त्र का एक ही
मत है भगवान का नाम लो, खास करके कलयुग में भगवान का नाम लो। तो भगवान का नाम लेकर क्या होगा, बोला प्रेम तो नहीं है, हो नहीं रहा है, बस लेते रहो हो जाएगा, नाम लेते रहो हो जाएगा। तो फिर हम तर्क लगाते हैं, बोलते हैं यार किया नहीं जाता है, हो जाता है, पर शास्त्र कहता है नाम लेते रहो, प्यार करते रहो, प्यार हो जाएगा। ये आध्यात्मिक जगत जो है बहुत, ये जो आध्यात्मिक विधि जो है, भक्ति का विधि जो है, भले हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा। इसीलिए और भगवान का नाम लेते 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 हम नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे, रोने लगेंगे और सब कुछ निचावर करेंगे। इसीलिए कहते हैं जैसे भगवान का नाम लेते लेते इतना आनंद का अनुभव होता है कि व्यक्ति नाचने लग जाता है, रोते खड़े होते हैं, रोते हैं। इसलिए कहते हैं हर दिन जो प्यार करता है वो गाना गाएगा, वो गाएगा हरे कृष्णा मंत्र गाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे क्योंकि इतना खुशी उसके जीवन में आएगा, वो नाचेगा, नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच, वो नाचने लग जाएगा, गाच भगवान का नाम लेते लेते इतना खुशी हो जाएगी कि वो नाचने लगेगा। इसीलिए जो है भगवान का नाम हमें खास करके इस कलयुग में भगवान का नाम का भगवान प्यार करते हैं, और हम अगर भगवान का नाम लेंगे हमारे अंदर जो प्यार आ जाएगा, ये जो है भक्ति का शक्ति है। आज इस सभा में मान लो कोई नया आया है, भले वो भक्ति जानता नहीं हो, फिर भी क्योंकि इस सभा में आया, भगवान के भक्तों का संग किया, भगवान का नाम सुना, तुरंत दो चीज हो जाता है। एक यमराज जी जो है चित्रगुप्त को बुलाता है, बोले फलाना व्यक्ति का फाइल निकालो, अरे ये तो बड़ा बदमाश है, विराट ने ऐसा ऐसा किया, पुलिस स्टेशन में भी गया और क्या क्या नहीं किया, बोला उसका फाइल लेके आओ। अरे क्यों गड़बड़ किया इतना, पता नहीं आज अक्टूबर 6 तारीख है, सत्संग में बैठे हैं, तो क्या हो गया सारा केस पेपर फाइल में क्या होगा, बहुत बड़ा प्रोटीन निकल रहा है, बोला जला दो, चित्र को थोड़ी बेहोश हो जाए, बोला फिर से उठ रहे जला दो, फिर से बेहोश हो जाता है, बोला इतना मेहनत करके मैंने फोटो निकाला, क्या क्या चोरी कर रहा था, गुप्त रूप में मैंने इसका चित्र निकाला, इसलिए मेरा नाम चित्रगुप्त है, मशीन से निकाला उसको चलानी बोले चला दो। तो अभी यमराज जी से मास्टर है तो सुनना पड़ा, जला दिया। फिर 2 साल के बाद वही व्यक्ति भाटपाड़ा में मंदिर में आता है, पर 2 साल तक यमराज जी को टोक रहा था, देखा बदमाशी कर रहे हैं, आपने बोला अक्टूबर 6, 2021 भागवत कथा में बैठा है, फाइन फॉलो अभी देखो फिर से बदमाशी कर रहे, ऑमलेट शॉमलेट कर रहा है, शबाब कबाब खा रहा है, नशा कर रहा है। फिर 2 साल के बाद वो 2023 में आता है, भाटपाड़ा में आता है जन्माष्टमी के दिन, बोलते हैं जपमाला मिले गए थे, क्या बोलते हैं जपमाला, वो गया तो 2023 जपमाला लेते हैं, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम। और अगर देख
भगवान का नाम लिया कि नहीं? फिर दो महीने के बाद चित्रकूट बोलते, देखो अभी अभी भी देखो सुबह लेट उठता है और लेट उठने के बाद ऑमलेट खाने जाता है और नाम भी लेते हैं। फिर 2025 हो जाता है, बोलते हैं क्या मैं एक से ज्यादा माला ज्यादा कर सकता हूँ? बोला हाँ करो, चार माला करने लग जाते। चित्रकूट बोलते देखो रात को गंदे गंदे पिक्चर देखता है बच्चों, मुझे दीक्षा मिलेगा। अरे दीक्षा करे 16 माला जब करना है। अच्छा माला, मैं अभी तो 10 माला करता हूँ, 6 माला करता है। फिर 2000 अभी कौन सा साल हो गया? 2031 में आता है 16 माला जब। 16 माला जब हो रहा है तो भक्त पूछता है उसको चाय कॉफी छोड़ना पड़ेगा। चाय कॉफी ये तो नहीं, वो कुछ बोलता नहीं है। फिर 2033 हो जाता है, चाय कॉफी छोड़ देता है। फिर आता है अभी आपको दीक्षा मिलेगा, आपको कांदा लहसुन। अरे कांदा के पकौड़े के बगैर मैं जी नहीं सकता। फिर भी और 2 साल चला जाता है इसे। फिर 2035 आता है, उनका दीक्षा के लिए नाम बदलते तो बोलते हैं अरे ये तो अभी अभी कांदा लहसुन छोड़ा है और 2 साल उसको रुका। फिर 2037 में इसका हरिनाम दीक्षा होता है। फिर हरिनाम दीक्षा के बाद भी चित्रकूट फोटो लेता है इसका। देखो यहाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा लेता है बच्चों। फिर 2050 जब आता है तो उसको ऐसा बीमारी लग जाता है, वो शरीर छोड़ने का उसका समय आ जाता है। तो विराट के सारे भक्त मुझे कहते हैं नित्य मनोहर प्रभु, तभी नित्य मनोहर प्रभु भी कितने साल के हो गए 2050 और 30 साल हो गए। हरे कृष्णा कृष्णा आता है उसे लेकर चतुर्भुज नारायण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और चला। तब यमराज बोलते देखा बोला अक्टूबर 6 देखा 30 साल में यह है कमाल प्रभुपाद जी का, यह है कमाल प्रभुपाद जी का आंदोलन का, अरे वाह यह है कमाल इस्कॉन का और यह है कमाल इस्कॉन के भक्तों का, यह है कमाल हरे कृष्ण आंदोलन का। इस आंदोलन में इतना इतना कृपा है राष्ट्रपति राधा रानी का, वो तो निकृष्ट तुच्छ नगण्य व्यक्ति भी अगर आ जाता है तो उसका केस भी प्रोफाइल तुरंत लिख गया। चित्रकूट बोलते हैं जरूर अगली बार मैं फोटो लूंगा, जो जो सत्संग में आएगा उसका केस भी प्रोफाइल आपको बोलने से पहले मैं लेकर आया। प्रभुपाद जी के आंदोलन में इतना कृपा है, इतना कृपा है, इतना कृपा है कि हिप्पी लोग गंदे से गंदे हैप्पी हुए, रूसी लोग ऋषि बन गए, चीनी लोग मुनि बन गए, जापानीज लोग जपा करने लगे, दुखी लोग सुखी हुए। तो ये प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े रहिए। तो यहाँ पर एक तर्क का भाव हमने कर दिया, वो व्यक्ति इतना बीमार हो गया तब यमराज जी ने बोला ये जितने भी पाप किया ना वो सारे पाप का प्रायश्चित 2-3 महीने में किया और अब वो रो रहा है ना और भक्तों कीर्तन कर रहे हैं। तो यह है इनका, ये प्रभुपाद जी का कृपा कि 2 महीने में इतना तड़पा कि जन्मों जन्मों का पाप साफ हो गया, हिसाब ठीक हो गया। अब देखिए भक्तों का कीर्तन श्रवण कर रहे हैं और भक्तों का नृत्य को वो देख रहा है
भगवान का छवि को देखकर तुलसी के मुंह में कंठी माना तिलक ये सब है। अब जो है ये मेरा जुरिस्डिक्शन का मेरे जो है अधिकारी में नहीं आता है, ये तो भगवान के रूप है। और सच में भक्त लोग कीर्तन करते हैं, जब भक्त शरीर छोड़ रहा है कौन कौन वैकुंठ जाएगा और कौन जो है यमलोक जाएगा, ये कैसे पता लगता है। इतने सारे लोग विराट में, मुंबई में, भारत में और पूरे विश्व में शरीर छोड़ रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि कौन यमराज के पास जा रहा है, कौन भगवान के पास जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है और उसके सामने बड़े बड़े इंजेक्शन को लगा रहा है तो समझ लेना है ऐसा नहीं, ऐसा जाएगा नीचे यमराज जी के पास जाने। और देख लो अगर कोई शरीर छोड़ रहा है और उनके सामने भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन यानी कि हरिनाम, हरिनाम साक्षात भगवान है, तो समझ लेना कि भगवान उनके साथ है। जैसे विष्णु पितामह, जैसे प्रभुपाद जी शरीर छोड़े, वो भी शरीर छोड़ के भगवत धाम जाए। भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, ये एक लक्षण है। भक्त लोग उनके शव जब जा रहे कीर्तन हो रहे हैं तो समझ लेना ये शव जिसका भी है, जिस आत्मा का शरीर है, जिस शरीर के पीछे पीछे भक्तों के पीछे, समझ रहे हैं कि वो आत्मा भगवत धाम है। जब उनका शव जल रहा है तो कीर्तन में समझ रहे हैं वो आत्मा भगवान के नाम। कुछ लक्षण होते हैं, तुलसी है, भगवत गीता है, गंगा जल है, तो समझ लेना चाहिए उनका उदम गति हो गया। तो ये भक्तों के लिए, तो चित्रगुप्त ने डांट दिया, चित्रगुप्त को लग ठीक है। अब यही पर ब्रह्मा जी जो है कह रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति अक्टूबर 6 तारीख सत्संग में आ गया है, वो भी वामन देव भगवान की कथा के सातवें दिन आ गया, गलती से आ गया, वो यहाँ से जाने वाला था, इतना गलती था कि वो जा नहीं पाया। भक्त लोग ऐसे कस के बैठे थे कि उसको हिलने के लिए जगह जगह जाने की बात करते, वो यही सोच रहा था कब थोड़ा सा जगह मिल जाए और पतली गली से निकले, पर निकल नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इसके लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनके लिए सिंहासन तैयार करते हैं और सिंहासन को तैयार करके आरती का थाली तैयार करते हैं। और ब्रह्मा जी के रूप में, ब्रह्मा जी ये सब तैयार करके ब्रह्मा जी के लोग में 5 मिनट हो जाता है, और 5 मिनट वहाँ पे हो गया और यहाँ पे वो व्यक्ति अक्टूबर 6 तारीख 2021 में आया है और 2050 होते होते ब्रह्मा जी का 5 मिनट हो जाता है और ये व्यक्ति फ्लाइट से वैकुंठ जाता है स्वर्ग पार करके। और जब ब्रह्मा लोग पार करते हैं तो ब्रह्मा जी रोते थे, तो रुको 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 बैठो बैठो, आप फ्लाइट से उतरिए, थोड़ा जो है ये जो सिंहासन बनाया है, आसन बनाया है, उसमें बैठ जाइए और आरती से आरती उतारता है। आरती उतारने के बाद उनसे कहते हैं कि देखिए शंख बजाते हैं, आरती बजाते हैं, ये सब करने के बाद बोलते हैं कि देखो जाते जाते भगवान को थोड़ा सा सिफारिश देना कि 400 वाला इतने इतने सालों से लगा हुआ है, उसके लिए थोड़ा कृपा का लक्ष्य कीजिए, वो आपका भक्ति कर रहे हैं। और भगवान जी की वो बोलते हैं ठीक है मैं करूँगा। और जैसे जैसे वो जाता है उनके पीछे पीछे ब्रह्मा जी और ब्रह्म लोक में जितने भी उनके ब्रह्म लोक के वासी, वो सब कीर्तन करते करते उनके पीछे जाते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये है प्रभुपाद जी के आंदोलन का बल। ब्रह्मा जी 5 मिनट में आरती प्लेट तैयार करते हैं, यहाँ पे 50 साल या 30 साल निकल जाता है और वो भक्त भले वो कितना भी निकृष्ट हो तुच्छ हो चित्रगुप्त भले कितना भी उसका फोटो ले फिर भी भक्तों के संग में भक्ति में लगा रहेगा और एक दिन वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से यह जो है कलयुग बहुत 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 जो है भक्तों के लिए फायदेमंद है। ये कलयुग ऐसा युग है जिसमें हजारों लाखों साल तपस्या करने से जो भगवान की प्राप्ति होती है सतयुग में वो केवल 30 साल में हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ द्वापर युग में त्रेता युग में करने से जो भगवान की प्राप्ति होती है वो केवल थोड़ा बहुत हरिना ईमानदारी से भक्तों के संग सेवा करने से हो जाता है। और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान के सामने 15 घंटा स्तुति करते रहे अर्च विग्रह का सेवा करते रहे जो भगवान का प्राप्ति होता है वो केवल 16 माला जब 4 निम्पारण एकादशी 125 मालन करने से हो जाता है। मान लो अगर कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भगवत नहीं भी हुआ प्रभुपाद जी आस्वादन देते हैं भक्तों से कि आप डरिए मत ईमानदारी के साथ इस्कॉन में रहिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ में जुड़े रहिए छोड़िए मत 16 माला का जप करो 4 नियम का पालन करो अगर आपके लिए वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आएगा तो मैं स्वयं गोलोक वृंदावन से आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। मैं आपको वैकुंठ नहीं लेकर जाऊंगा। हम बोलिए अरे बापरे कहां लेकर गए मैं आपको वैकुंठ नहीं लेकर जाऊंगा वैकुंठ से ऊपर गोलोक लेकर जाऊंगा और गोलोक दरवाजा बंद होगा तो मैं पीछे के दरवाजा की ओर जाऊंगा पीछे का जो बड़ा दरवाजा बंद होगा तो उसमें एक छोटा दरवाजा है जिसका चाबी श्रीमती राधा रानी ने मुझे दिया उसे खोलूंगा और आपको एंट्री दूंगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देरी क्या है भक्ति करो दोनों हाथ में लड्डू है भौतिक जीवन भी जियो और आध्यात्मिक जीवन भी जियो भौतिक जीवन जीते रहो और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाते रहो धीरे 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 एक दिन आएगा 4 माला करोगे फिर 8 माला करोगे फिर एक दिन बोलेगा दीक्षा चाहिए बोलेगा नहीं कांदा लहसुन छोड़ो तो बोलेगी वो भी दिन आएगा वो भी छूट जाएगा और भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत ये जो कलयुग है इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखना है एक तो भगवान का नाम लेना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और दूसरा चीज मन से किसी का बुरा मत करो मन से किसी का बुरा मत करो जैसे महात्मा गांधी का है ना 3 मंत्र बुरा ना देख बुरा ना सुन बुरा ना बोल और बुरा ना सोच मन से किसी का बुरा मत सोचो और मन से सबका भला करो मन से सबका भला मन से सबको 10 करोड़ दे दो अभी मन से देना ही है तो 10 अरबों दे दो मन से सबको दंडवत प्रणाम करो मन से सबको खूब खूब जो है सबको जो है दक्षिणा दो मन से भला करते जाओ। जिस प्रकार से वसुदेव ने द्वापर में जब भगवान का जन्म हुआ था सारे ब्राह्मणों को हजार हजार गाय दिए थे पर मन से दिया फिर बाद में जब वो कारागार से छूट कर आए तो मन से दिए मन से सबका भला करो मन से बुरा मत करो और मन से अगर हम
और उनका भला करेंगे कलयुग में खास करके, तो सच में भला करने का लाभ मिलेगा। अभी तो अपने अरे वाह कल से मनी मन मंगल आरती कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, वो तड़प होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सोचिए अरे वाह अगली बार ग्वालियर ग्रुप बोलेगा कि जन्माष्टमी के लिए दक्षिणा चाहिए, तो मनी मन 10 करोड़ देते। नहीं, जितना होता है शरीर से जरूर कीजिए, और जो बताया है वो तो शरीर से कीजिए, कम से कम जल्दी सुबह उठना चाहिए, और दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए, पर मन में सबके लिए भला सोचो और कभी भी बनाओ, तो सच में भला करने का लाभ मिल जाता है। ये खास करके कलयुग के लिए, अगर मन से बुरा सोच दिया कलयुग में तो उसका दंड नहीं मिलेगा। सतयुग में आपने मन से थोड़ा भी बुरा सोच लिया सबको पता लगेगा, अरे ब्रह्मा ऐसे सोच रहे हो, ब्रह्मा जी ने केवल अपने बेटी को थोड़ा सा उनके मन में आया ये कितनी सुंदर है, तो तुरंत जितने भी उनके बेटे थे बोला अरे ब्रह्मा पिताजी हो तो क्या बेटी पे नजर डाल रहे हो, तो ब्रह्मा जी को अपना उस विचार को त्यागना पड़ा, तो ब्रह्मा जी फिर से सोच गए, यानी कि तुरंत पता लग जाता है। पर कलयुग में हम मन से बुरा भी सोचे किसी के बारे में, बदमाश कब से माइक में बोले जा रहे छोड़ेगा कभी हमें तो उसका दोष नहीं लगेगा। पर बात यह है, पर मन से अगर हम बुरा सोचेंगे तो जरूर तन से बुरा होगा, कभी ना कभी वो निकलेगा शरीर से। हम बुरा किसी का सोचेंगे पानी से और हाथ से पांव से, तो इसलिए मन से भी बुरा मत सोचो। कलयुग का दो खूबी है, एक खूबी यह है कि भगवान का नाम लो, और दूसरा खूबी क्या है, सबके लिए भला सोचो, मन ही मन भला सोचो, तो जरूर भला करने का आपको लाभ मिलेगा। ये दो चीज को पकड़ के आगे बढ़ते रहो, चित्रगुप्त फाइल फाड़ देगा और जो है ब्रह्मा जी आसन तैयार करेगा। अब जो है बलि महाराज जो है कहते हैं कि इस बालक से मुझे प्रेम हो गया, उसी प्रकार से अगर हम भगवान का नाम लेते 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 रहेंगे, तुरंत एक दिन आएगा कि गोविंदा को देख के बोलेंगे मुझे इनसे प्रेम हो गया, अब जो कुछ भी है मेरा मैं सब कुछ निछावर कर दूंगा। बलि महाराज के मन में विचार है इसको मैं सब कुछ दूंगा, पर जब वो आया शुक्राचार्य ने मना किया, बोला झूठ बोलो ये आपने ये संकल्प किया है तोड़ दो, पर बलि महाराज कहते हैं कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता, और भक्तों को तो कभी झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सच सच होता है, भले झूठ कितना भी बड़ा हो पर सच सच होता है, जैसे झूठ पानी की तरह है और सच एक बूंद तेल की तरह है, कितना भी पानी डाल दो एक बर्तन में, थोड़ा पानी है उसमें एक बूंद तेल है, और कितना भी पानी और डालो पर वो तेल का बूंद पानी में मिलेगा नहीं, और वो ऊपर जरूर आएगा और अलग दिखने लगेगा। इसी प्रकार से कितना भी झूठ दुनिया जो है बोले, पर अगर हम सच पे अड़े रहेंगे तो वो सच जरूर निकल के बाहर आएगा और एकदम से अलग दिखाई पड़ेगा। झूठ के साथ सच कभी मिलेगा नहीं, तो सच बोलते ही रहना चाहिए। बलि महाराज कहते हैं कि वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा भार है, मां पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़ को जो है अब बड़े आसानी से प्रेम से धारण कर सकती है, बड़े बड़े सागर समुद्र 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी 20 लीटर पानी 30 लीटर पानी तक हम उठा सकते हैं, पर समुद्र में कितना पानी है बड़े प्रेम से उठा सकते हैं, पर कहते हैं कि वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसके साथ, वो कहते हैं कि मैं प्रहलाद महाराज के वंश में हूं इसीलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं,
इस प्रकार से अनेक कारण बताते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जो है कि बातों को नहीं मानते, शुक्राचार्य उनको श्रापित कर देते हैं और अनेक कारण कहते हैं कि भले ये वट ब्राह्मण है, विष्णु ही है, पर मैंने मन से वादा किया इनको सब कुछ देना और शास्त्र भी कहते हैं इनको सब कुछ देना, तो मैं सब कुछ नहीं चाहता। वो धन अगर देकर मैं अगर गरीबी हो जाऊंगा, वो गरीबी बहुत ही मंगलमय, शुभ और कल्याण है। और वो धन मैं झूठ बोलकर अपने पास रखूं, वो धन भले कितना भी मेरे पास क्यों ना, वो अपवित्र होगा, अमंगल होगा और नाश करने वाला ही होगा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि वो गरीबी मुझे स्वीकार है, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इस प्रकार से वे जो है अब वामन देव भगवान के चरण कमलों को दर्शन करते, इतना सुंदर चरण को देखकर और उनका हृदय उभरने लग जाता है और जल अर्पण करते हैं, संकल्प पूरा कर लेते हैं। संकल्प पूरा करना ही था तो शुक्राचार्य कहते हैं कि बस 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 बस, वो छोटा बनकर आ जाते हैं और वो जो कमंडल के जो चित्र है उसमें जाके उसे जाके रोक देते हैं। तब वामन देव भगवान है कुशाशास निकला, बोला पानी क्यों नहीं आया, ऐसा हल्का सा कुशाशास अलग खच करके शुक्राचार्य के एक अंक से निकला और शुक्राचार्य चिल्लाकर बाहर निकले, जल फिर आया, संकल्प पूरा हो गया। शुक्राचार्य उनके गुरु हुए, गुरु का आज्ञा का उल्लंघन हुआ, क्या यह अपराध नहीं है? बहुत सूक्ष्म बात है। महाजन है बलि महाराज, तो ये क्या सीख दे रहे हैं? गुरु के आज्ञा का अवज्ञा करो, चार कुमार ब्रह्मा जी का आज्ञा का अवज्ञा कर रहे हैं, प्रजा को बढ़ो तो कहते हैं कि हम क्यों प्रजा बनाए, तो भजन जब करेंगे प्रजा बनाने जाएंगे तो बच्चों के स्कूल का फीस के लिए मेहनत करना होगा, राशन के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, दूध के लाइन में खड़ा होना, जपा कौन करेगा? तो चार कुमार ने मना कर दिया। विश्वविद्यालय ने परशुराम के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और है महाजन स्वयं भू महाजन है, विश्व पितामह महाजन है, बलि महाराज महाजन है, और ये सीख दे रहे हैं कि गुरु का अवज्ञा करो। पर ये जो बात है थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा इसे बारीकी से समझना चाहिए। पहली बात ये ठान के रखना चाहिए, गुरु आध्यात्मिक गुरु का आज्ञा को कभी अवज्ञा नहीं करें शिष्य, नहीं तो हरिनाम के प्रति जो रुचि है मिलता चला जाएगा। दसवां अपराध है हरिनाम का, उसमें तीसरा नाम अपराध है गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना। ये जैसे ही किया तो हरिनाम में रुचि नहीं आई, हरिनाम करते करते जब या हरिनाम करते करते मोबाइल देखेंगे, या हरिनाम करते करते ये वो सब बातें करते हैं, हरिनाम से रुचि जीत गए। गुरु आध्यात्मिक गुरु चाहे कोई भी हो, आध्यात्मिक गुरु आचार्य हैं प्रभुपाद जी, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु या वर्तमान पद प्रदक्षिण गुरु, जो आपके जीवन में पहली बार आपको भगवान से मिलाया, अरे चलो चलो भाटपाड़ा में चलो चलो, अब ये जो है आज अक्टूबर 6 चाहे के अभी 9 बजने वाला है, 9 बजने को 1 मिनट है, अरे थोड़ी देर में कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद महाप्रसाद होगा, वही कौन वही प्राणेश्वर सोलन की परिवार, अरे आधा घंटे में थोड़ा बहुत YouTube में देख के पीछे वापस जाता है, फिर बाद में टपरी लोग आ जाते हैं खाने के। तो जो व्यक्ति
अपने दोस्त से कहा आओ आओ, और उसका चपोरी दोस्त बोलता था कि नहीं देखो आधा घंटे के बाद चलते, नहीं 10 बजे तक तो सर चल रहे हैं, सुमन जी पर बहुत खिला रहे तो खाएंगे गरम गरम। तो वो व्यक्ति जिसने उस टपोरी को लेकर आया था, वो टपोरी को लेके आने वाला जो व्यक्ति था बोले कि चलो यहाँ पे पता चल रहा है वो उनका क्या है वर्तमान प्रत्यक्ष जरूर उनके जीवन का, इस वर्तमान जीवन का पहला जो है पद बताने वाला जरूर बोले वो दीक्षा जरूर नहीं शिक्षा जरूर उनका उनके लिए भी हमारे हृदय में जो है आदर होना चाहिए। वो व्यक्ति वो बने भक्त हो या ना भक्त हो, भक्त बने या ना भक्त बने, पर उनके लिए आदर होना चाहिए, उनके लिए सम्मान होना चाहिए। भगवान देखते हैं और जो जो भक्त या जो जो व्यक्ति हमें भक्ति में मदद किया है उनके लिए आदर होना चाहिए। और दीक्षा छोड़ो शिक्षा छोड़ो के लिए तो बहुत आदर होना चाहिए और आचार्य के लिए तो बहुत आदर होना चाहिए। मुझे याद है मैं जैसे कल बताया था, मैं जब इस सातवें कक्षा में था तब बताया था कि एक मंदिर है, क्योंकि चंपुर में हाई स्कूल चंपुर नाका में है और पोस्टल कॉलोनी जो है वो एक तरफ है, सीधा 1 किलोमीटर का रास्ता है। और था सोमवार जब होता है तो हम लोग चल के जाते हैं दोपहर का 1 बजे बैग लेके चलना होता है, 4-5 दोस्त लोग साथ में चलते हैं, तो चल के जाते तो संडे का दिन कोई बोलता है मैंने ये पिक्चर देखा, कोई बोलता है ये पिक्चर देखा, तो उस दिन वो सामने से बोला अरे कल इतना अच्छा था जूह बीच में इतना अच्छा लगा, अरे जूह बीच के सामने चंदन थिएटर, अरे उस थिएटर के सामने एक मंदिर है, बोला अद्भुत मंदिर है, बोला अद्भुत मंदिर, अरे वहां पे लोग नाचते हैं, तो मैं जैसे कल बताया मंदिर में कोई नाचता है, हमने सोचा मंदिर में केवल नारियल फोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं, दान देते हैं, नारियल खा के जाते हैं, छोटे नाचते हैं। वो बात मेरे मन में रहा, वो दोस्त जो था मेरा उनका नाम दिनेश पात्र, वो अभी भक्त बना नहीं बना मालूम नहीं, पर उनके कृपा से तो उनके लिए मेरे मन में आदर है आज भी। वो इतना ही नहीं, इतना बड़ा कि उस मंदिर में अंग्रेज लोग नाचते हैं, गोरे लोग नाचते हैं, हमने सोचा अरे अंग्रेज लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं चर्च जाते हैं। तो ये बात रहा, फिर उसके ठीक 8 साल के बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत मैं जो मंदिर 8 साल के बाद जो मंदिर जो गया था तो पानी को स्पर्श करते लगे यहाँ पे एक मंदिर है, तो उनके लिए भी आदर होना चाहिए। वो भक्त जिन्होंने हमें भक्ति में थोड़ा भी मदद किया उसके बाद भी उनके लिए हमारे एरिया में आदर होना चाहिए। अनादर का कोई स्थान नहीं है, खास करके आध्यात्मिक गुरु। अब बलि महाराज के प्रसंग में क्या हो रहा है, बलि महाराज के प्रसंग में देखिए शुक्राचार्य उनके गुरु हैं, पर वो आध्यात्मिक गुरु, बात समझ में आ रहा है, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन है, प्रहलाद महाराज, और उनका आज्ञा वो कभी तोड़ते नहीं, आध्यात्मिक गुरु के बातों को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। और ये नहीं कि बहुत ही गुरु शुक्राचार्य थोड़ी ना उनको हरिनाम दीक्षा या भगवान से तो खाली जीवित किया और थोड़ा सा अमीर बनने के लिए। हाँ हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु आएंगे, कोई हमें ढोलक सिखाएगा, कोई हमें जो है मैनेजमेंट सिखाएगा, कोई हमें जो है कंप्यूटर सिखाएगा, वो सब गुरु है, पर जब आध्यात्मिक गुरु आता है, दीक्षा गुरु आता है, शिक्षा गुरु आता है, उनके आगे क्या बन अवज्ञा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हरिनाम में रुचि नहीं होगा, हरिनाम में रुचि नहीं होगा प्रेम नहीं होगा। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ भगवत गीता के 8वें अध्याय खोलो, 14वें नंबर श्लोक खोलो और देखो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति योग इज वेरी सिंपल प्योर एंड इजी, हिंदी में भक्ति योग बहुत सरल है, पवित्र है और आसान है, सुलभ है, आसान है, हाँ सुलभ है, ठीक है। तो इसमें इसमें जो है केवल आदर देते रहो आध्यात्मिक
काम में हमें जिन्होंने भी मदद किया है, और बस अपराध से बचते रहो, बस अपने आप वैष्णव जो है आपके चेतना को उन्नत करते रहने, भगवान जो है प्रकृति जो है आपका चेतना को उन्नत करते रहने, उन्नत करते रहने। बस अपराध से बचते रहो, और उसमें भी वैष्णव अपराध बोल ही देता हूँ। छह प्रकार का अपराध तो बहुत सारे हैं, एक होता है नाम, दस प्रकार का नाम अपराध, दस प्रकार का दाम अपराध, और चौसठ प्रकार का सेवा अपराध। ये सब सुनेंगे तो अरे बाप रे बाप रे बाप, कहीं गलत जगह पे है, मैं तो भक्त नहीं बना तब तो अच्छा था, नहीं तो अभी कितना हो गया, चौसठ दस दस, अरे यहीं पे 84 हो गया। अब भक्त नहीं बने तो मैं अच्छा कम से कम अपराध नहीं कर लूं, नहीं थोड़ा इसमें भी नाम अपराध, दाम अपराध और सेवा अपराध, वो जो है हरिनाम करने से कट सकते हैं। और एक चीज उसके अलावा एक और है, वो है वैष्णव अपराध। ये वैष्णव अपराध से पूरा बचना चाहिए, तो थोड़ा भी नहीं करना चाहिए। और छह प्रकार का वैष्णव अपराध है, वैष्णव को देख के प्रसन्न ना होना, तिलक धारी वैष्णव आया, कंठी धारी वैष्णव आया, जैसे वैष्णव सामने से आ रहा है, वैष्णव सामने से आ रहा है, मुंह इस तरफ करके बात करना, यानी कि अनदेखा करना, खुश होने की बात तो दूर, अनदेखा कर देना। अरे भगवान ने दो आंखें दिए हैं, और भले वो वैष्णव आया, पर वो वैष्णव सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं आया, पृथ्वी जल अग्नि वायु का 6 फुट का नहीं, कम से कम 5 फुट का तो शरीर है, और वो भी सामने से आ रहा है, वो नहीं कि दूर 200 किलोमीटर दूर से जा रहा है, एकदम सामने से आ रहा है। फिर भी जिन आंखों से हम तीन तत्व को देख सकते हैं, पृथ्वी जल और अग्नि, अरे इतना बड़ा 5 फुट का है शरीर आ रहा है, आंख से देख भी लिया है, और ऐसा करके बात कर रहे हो, ये एक अपराध होता है। यानी कि वैष्णव का देखिए खुश हो जाना चाहिए, जैसे जैसे भी है 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य शरीर प्राप्त किया, और बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्मों के बाद अब भगवान के पास आ रहे, खुश होना चाहिए, है ना, खुश होना चाहिए। जैसे लोग खुश हो जाते हैं, अपने पार्टी के आदमी आते हैं, अपने पक्ष के आदमी आते हैं, तो वैष्णव आया हमारे पक्ष के आदमी है, दादा रानी के पक्ष के आदमी, खुश होना चाहिए। भले वो कोई भी मंदिर का हो, कोई भी काउंसलर का हो, कोई भी गुरु का हो, या कोई भी जो है देश का हो, खुश होना चाहिए। आत्मा देखो भगवान का नाम ले रहे, भगवान का भक्त, ये हो गया वैष्णव को देख के प्रसन्न ना होना। फिर दूसरा जो है वैष्णव के बारे में बुरा बोलना, वैष्णव है उसको देख के उसके बारे में बुरा बोलना, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अगर अधिकार नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई अधिकार भक्त है तो वो देखेगा इसमें कुछ कमी है, इसकी कमी को सुधारने के लिए वो चर्चा करेगा, वो अलग बात है, पर ये निंदा करने की दृष्टि से बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही है, वो खतरा है। ये दूसरा वैष्णव का। तीसरा वैष्णव के बारे में बुरा सोचना, मनी मन बुरा सोचना, इसलिए मैंने पहले ही बताया है कलयुग में एक अच्छा चीज है कि सबके बारे में भला सोचो, सबके लिए कुछ करो, पर वैष्णव के बारे में बुरा सोचोगे तो ये भी एक अपराध हो गया, ये तीसरा अपराध हो गया। वैष्णव को देख के प्रसन्न ना होना, वैष्णव के बारे में बुरा सोचना, वैष्णव के बारे में बुरा बोलना, आप अपना मास्क निकाल देना, कृष्ण मूर्ति आपके कान दुख रहे हैं, और कान दुखने के कारण अपना मुंह को आप ऐसे ऐसे कर लो तो ठीक है। तो मैं देख रहा था बहुत देर से आप अपना मुंह को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर पता लगा कि उनका कान दुख रहे। तो वैष्णव के बारे में बुरा सोचना, वैष्णव के बारे में बुरा बोलना, ये तीन हो गया। अब वैष्णव के सामने चिल्लाना और उनका निंदा करना, एकदम ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, अरे बोल दिया तो बोल दिया,
आपने ऐसे क्यों बोला? वैष्णव तो माफ कर देंगे, ठीक है, पर वैष्णव के सामने आके चिल्लाना, अभी इसमें खतरा यह है जो पति पत्नी है उनको बहुत सावधान होना पड़ेगा। पति पत्नी को चिल्लाता है, पत्नी पति को चिल्लाता है, तो फिर वैष्णव अपराध और वैष्णव ही अपराध हो जाएगा। पति बोलेगा देखो मैं आपको डांट रहा हूं, इसमें अपराध नहीं है, इसमें वैष्णव अपराध नहीं है, पर इसमें वैष्णव ही अपराध है, वो भी वैष्णव अपराध में आ जाएगा। तो वैष्णव हो या वैष्णव हो, चिल्लाना नहीं चाहिए, हर चीज को करने का तरीका है ना। और ये हो गया चौथा, फिर वैष्णव के साथ बॉक्सिंग करना, बॉक्सिंग किकबॉक्सिंग ये सब करना, कराटे कुंग फू ऐसा सब करना, या क्या बोलते हैं कबड्डी खेलना, या उनके साथ कुश्ती करना, मारा मारी करना, हाथापाई करना, ये हो गया पांचवा वैष्णव पर। अच्छा, वैष्णव का सर घर से अलग कर देना, जान से मारना, ये बहुत बड़ा, इनसे बचना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेते रहो और वैष्णव अपराध से बचते रहो, और मन में सबके बारे में भला सोचो, ये तीन चीज करो, तुरंत भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। बलि महाराज के हृदय में जिस प्रकार से प्रेम जागृत हुआ वटू बामन को देखकर, सब कुछ नीचावर कर रहा था, वैसे ही हमारे मन में भी भाव उत्पन्न हो गया कि सब कुछ नीचावर कर रहा था। ये तीन चीज करना, इसमें कोई कठिनाई है? नहीं नहीं, फिर करो ना, कौन रोकता है? तो है, पर थोड़ा सा मन को संभल के रखेंगे तो ये संभव है, आसानी से कर पाएंगे। हरिनाम भी होगा 16 माला, और जो है जाने भी पाना, तो वैष्णव अपराध से बचना है, ये 6 प्रकार के जो वैष्णव अपराध से बचना है, और सबके लिए भला सोचते रहो। अपने आप जो है प्रकृति आपका चेतना को उन्नत करेगा, आप के मन में जो है कृष्ण प्रेम जागृत करेगा। सिस्टम है भगवान का, वो सिस्टम भगवान का जो सिस्टम है हमें पुश करते रहेगा। जैसे सुबह सुबह गाड़ी पकड़ना होता है विरार से चर्च गेट के, आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल भीड़ के सामने बीच में खड़े रहे, आप एकदम से एंगल बना के रखिए ऐसा कि साइड में भी नहीं रही ज्यादा, और ये बाएं तरफ भी ज्यादा नहीं, केवल बीच में खड़े रहिए, और ज्यादा मेहनत मत करो, बस मेहनत इसमें करो कि बीच में आने के लिए, बीच में एक बार खड़ा रहो, गाड़ी आ गया तो अपने आप लोग जो है धक्का 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 मार के ऊपर लेके जाएंगे और आप सीधा चर्चगेट पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से आप वैष्णव अपराध मत करो, और जो है सबके बारे में भला सोचो, हरिनाम करते इतना एडजस्ट कर लो, बाकी भगवान का सिस्टम जो है आपको धक्का मार के सीधा जो है वैकुंठ के फ्लाइट में बिठा देगा। ये संभव है, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो सफलता प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त किए। इसीलिए मैं कहता हूं भक्ति, प्रभुपाद जी लिखते भक्ति योग बहुत सरल है, पवित्र है, बहुत पवित्र है। इसीलिए अब बलि महाराज ने जैसे ही भगवान के चरण कमलों पे जल डाला तो बलि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, इतने सुंदर चरण को देखकर। और बलि महाराज की जो बहन थी वो सोचा कि इतना सुंदर बालक, ये बालक काश मेरा बच्चा होता। तो उन्होंने भी वामन देव अदिति माता को जो उन्होंने योजना बताया उसी के अनुसार तुरंत अपने पद को बड़ा कर देते हैं, और एक एक माप में नीचे के लोग से लेकर पृथ्वी लोग तक जितने भी बलि महाराज का शासन था धाम तक से माप लिया, और दूसरे में पृथ्वी लोग से लेके ऊपर के लोग थे ब्रह्मांड तक जो जितना भी था उसे माप लिया, और उस कदम को जैसे वो बढ़ा रहा था, ये था भगवान का दिव्य कर्म, बढ़ा रहा था, इतना तेज गति से चल रहा था, ब्रह्मा जी के लोग को पार करके जब वो चल रहे तो ये ब्रह्मांड का जो चित्र है उसे तोड़ दिया, और
जो कर्म कक्षा सागर का जो जल है वो सीधा भगवान के नक को और जो है भगवान के चरणों को स्पर्श करके जो है आने लगा, और उसी को आज जो है कमंडल में ब्रह्मा जी धारण किए और शिव जी जो है कमंडल से हो रहा था शिव जी जब ने समय धारण किया। भगवान के चरण कमलों का सबसे ज्यादा अगर किसी ने जो है लाभ लिया है वो शिव जी है, पूरा भगवान के चरणों को अपने सर पे धारण कर लिया। यह है शिव जी का प्यार भगवान के लिए और यह प्यार ब्रह्मा जी का। पर वामन देव भगवान ने जब चरण को इतना ऊपर किया था, ये था दुनिया का सबसे पहला कराटे किक, ये था दुनिया का सबसे पहला कुंग फू किक, इससे पहले कोई ऐसा किक नहीं मारा था, और उसी के बाद चाइनीज लोग किया करने लगे। एक बात सच बात है, प्रभुपाद जी हांगकांग में थे, पहले माले में थे और बीबीडी के जो है प्रभुपाद जी के शिष्य में बैठे थे, सन्यासी में बैठे थे, चर्चा चल रही, प्रभुपाद जी को जी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, नीचे से आवाज आ रहा किया 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 किया, प्रभुपाद जी बोले ये क्या किया, तो बोले क्या हो रहा, तो प्रभुपाद जी बोले प्रभुपाद जी पीछे ये लोग मार्शल आर्ट सीख रहे थे, तो बोला किया 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 ये मार्शल आर्ट से, तो प्रभुपाद जी बोले किया 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 क्या किया, दुर्लभ मनुष्य जीवन को बर्बाद किया किया किया, तो इस प्रकार से किया किया करके अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को बर्बाद किया, इससे भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। किया बोल के लात मारते हैं, किया बोल के पंच मारते हैं, ये मार्शल आर्ट। पर सबसे पहला कराटे किक किसने मारा, वामन देव भगवान, उसके बाद चाइनीज लोग कॉपी किया। जब हिरण्याक्ष आया था, बहुत बातें कर रहा था, वरादेव भगवान से रहा नहीं गया, तो वरादेव भागवत में वर्णन आता है, वरादेव भगवान के हाथ से गदा निकल गया, हिरण्याक्ष ने अपना गदा फेंका और गाली दे दिया, तो वरादेव भगवान से रहा नहीं। अब रात होने लगी, देवी देवता बोले थे अरे मारो मारो जल्दी मारो, तो भगवान मुस्कुराए, बोले बिल्कुल लोग मैं भगवान हूँ, मेरे पास इतना शक्ति है, ये हिरण्याक्ष क्या है, फिर भी बोला कि ठीक है आपके बाद में रखता हूँ। तो भगवान ने फिर अपना दाया हाथ पीछे दिया और एकदम से तेज गति से उठाया, एकदम भागवत में वर्णन आता है कि हिरण्याक्ष के कान के नीचे एक बजाया, वो था दुनिया का सबसे पहला थप्पड़, कानपट्टी के नीचे एक बजाया भगवान ने। उसके बाद महाराष्ट्र में लोग उसका ही कॉपी करते थे, कान के नीचे माँ बच्चे के कान के नीचे टीचर, तो इसका पहला जो है जन्मादि यस्य यतः जो शुरुआत भगवान ने कानपट्टी के नीचे बजाया था, और भागवत में वर्णन आता है जैसे उनके कानपट्टी के नीचे बजाया, हिरण्याक्ष के आंख बाहर निकले, कान से रक्त निकले, नाक से सिंह निकले, और उसके शरीर को हिरण्याक्ष छोड़ दिया, उनकी आत्मा शरीर को छोड़ दिया और भगवान ने जीवन। बोलो बलि महाराज की जय, भगवान की जय, वामन देव भगवान की जय। गंगा का प्राकट्य हो गया और भगवान अब बलि महाराज को बोलते हैं, अब बता दो, इतना घमंड था कि मांगो 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 देता हूं ना, तो बलि महाराज का अहंकार को छूट करना था और पूरा दुनिया को दिखाना था कि बलि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बलि महाराज ने कहा भगवान आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, आप मेरा सब कुछ छीन लिया है, आप जो है आपकी कृपा से मुझे वंचित कर रहे हो, आप मुझे क्यों नहीं ले रहे हो, मेरा सब कुछ ले लिया, आपका तीसरा चरण जो है आप मेरे सर पे रखो। और इस प्रकार से प्रेम था, बलि महाराज कहते हैं बोला कि आप मेरा सब कुछ ले लिया है पर आप मुझे भी ले लो, और तब भगवान जो है एकदम से वामन देव भगवान जो है उनके पांव से लेके कस के यहाँ से लेके रसातल से पे उनको स्थान देते हैं, सुतल पे लेकर जाते हैं, आज भी सुतल पे बलि महाराज वाम पर है, उनको बांध देते हैं, झूठ बोला तो नहीं बांध देते हैं, पशु की नाक लेकर बांध देते हैं और उनके
सर पे चरण रख के उनके सूतन लोक पर जो है भेज लेते हैं। सूतन लोक पर जैसे ही बलि महाराज पहुंच जाते हैं, वामन देव भगवान फिर से आते हैं और बोलते हैं कि आप यहीं पे रहो और मैं आपका चौकीदार बनूँ, और आज भी वहाँ की चौकीदारी कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज आते हैं, बलि महाराज का जय जयकार करते हैं, वाह धन्य है आज मैं बहुत कृतार्थ हो गया कि मेरे पास मेरे स्कूल में मेरा ही नहीं होता इतना बड़ा महान भक्त बन गया। आत्मनिवेदन का वो आचार्य माने जाते हैं। इस प्रकार से बलि महाराज के हृदय में इतना प्रेम उमड़ में लगा कि अपने आप को निछावर कर दिया, और वही जो है लाभ हम भक्तों को भी प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में है। अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे और सबके लिए भला सोचते रहेंगे तो वही प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने लगेगा। हम अपना सब कुछ तो निचावर कर देंगे, अपने आप को भी भगवान की सेवा में निचावर कर देंगे, और बलि महाराज जिस प्रकार से गति प्राप्त किया उससे भी ऊंचे गति को प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा भगवान के भक्ति में ऐसे ऐसे इतना सक्रिय इतना सक्रिय शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, ऐसे ऐसे कंजूस लोग थे। भागवत में तो 11वें अध्याय में आ जाता है ब्राह्मण का अवंतिक पुत्र का ब्राह्मण, वो इतना कंजूस था, बड़ा सेठ था पर कंजूस था, और लाल बाबू करके एक वृंदावन में लगभग 200 साल पहले एक सेठ था, वो भी इसलिए कंजूस था, पर वो कंजूस था धीरे 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 कर्मों का ऐसा चक्कर चला कि उसका संपत्ति सारा चला गया और सब कुछ उनके परिवार के सदस्य छोड़ गए। तो फिर वो सीधा वृंदावन चला गया लाल बाबू, और भक्तों के संग में भक्ति किया भक्ति किया भक्ति किया, पर इतने लोगों को उन्होंने सताया, उनके गुरु ने बोला जिन जिन लोगों के पास बहुत सताया उनके पास पहुंचा, तो वो गया उनसे भीख मांगने, तो सब लोग उसको मारते थे पीट देते उसके ऊपर थूकते थे, कुछ लोग तो खाने के लिए जा बैठता था तो उसके ऊपर पेशाब करते थे, उसके अपने उसके वो जब जपा करता था अनुपम करके कोई उसके नाक के सामने आता था पिछवाड़ा से हवा छोड़ के भाग जाता था, उसके साथ बुरा व्यवहार करता। भागवत में वर्णन आता है ऐसे अवंत ब्राह्मण के साथ किया था, और इसी प्रकार से लाल बाबू के साथ भी किया था, पर धीरे 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 भगवान का नाम लेते लेते उनकी आंखों में इतना आंसू आने लगे, भगवान का प्रति इतना प्रेम लगा, आगे जाके उनका नाम पड़ गया देवकी नंदन, हाँ देवकी नंदन गोस्वामी, और उन्होंने एक सुंदर भजन लिखा। वो भजन अगर भक्तों को गाएंगे तो कहते हैं कि जितना भी वैष्णव अपराध हुआ है वो नाश हो जाएगा, और वैष्णव अपराध करने का जब प्रवृत्ति थे भी नाश हो जाएगा। बहुत सुंदर भजन है, ऐसे सोचते हैं वो तीनों वृंदावन के जो वैष्णव हैं उनके लिए प्रणाम, और जगन्नाथपुरी में जो वैष्णव हैं उनके लिए प्रणाम, और जो मायापुर में जो वैष्णव है नवद्वीप में जो वैष्णव उनको प्रणाम। इस प्रकार से बहुत सुंदर भाव प्रकट करते हैं, और ऐसे करते करते कहते हैं कि वो सुंदर भजन अगर आप करोगे। तो मैं कह रहा था कि अगर उस प्रकार का बलि महाराज जिस प्रकार से प्रेम प्राप्त किए निचावर किए, उस प्रकार का निचावर लाल बाबा की कई काल की बात है, ऐसा नहीं कि बहुत समय पहले की बात है, और हम आप भी इस प्रकार का गति को प्राप्त कर सकते। बस इतना करना है, 16 माला जब रोज करना है, 4 दिन पारण करना है, और दूसरी बात वैष्णव अपराध से बचना है, तीसरी बात सबका मनी मन भला करना, इतना अगर कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये बलि महाराज का जो चरित्र है यह वैष्णव आचार्य से जब सुनते हैं तब पता लगता है कि वैष्णव बलि महाराज कितने महान हैं। पर जब वैष्णव से ये बात हम नहीं सुनते हैं, जैसे टेलीविजन में सीरियल देते हैं अभक्तों के द्वारा या कथा पढ़ते हैं अभक्तों के द्वारा, मुझे याद है तो ऐसा लगेगा कि इंद्र बहुत बड़ा महान है और बलि महाराज बहुत बड़ा जो है खलनायक है। मुझे याद है बचपन में अमर चित्र कथा एक छोटा सा पत्रिका आता है बच्चों के लिए, वो पत्रिका में वर्णन आता है कि वृतासुर का कथा आता है,
पर बिना सूत्र कथा जैसे बताते हैं तो लग वो बताते हैं कि इंद्र जो है नायक है और ये बहुत बड़ा नायक है। दधीचि का हड्डी वगैरह सब लेते हैं, वो सब आ जाते हैं कथा में और बाद में बताते हैं कि वज्र से मारते हैं बिकासुर को, फिर से इंद्र को स्वर्ग मिल गया। ये सुनने के बाद लगता है कि इंद्र कितने अच्छे हैं और बिकासुर कितने गंदे हैं। पर यही कथा जब हम द्रौपदी जी के ग्रंथों से पढ़ते हैं तब पता लगता है कि असली नायक बिकासुर है और कलनायक इंद्र है। और बिकासुर के ऊपर भगवान का असली कृपा हुआ और इंद्र के ऊपर नकली कृपा हुआ। इसी प्रकार से ये कथा जब भक्तों से सुनेंगे तो हमें पता लगेगा असली नायक जो है बलि महाराज है और कलनायक जो है इंद्र है, और असली कृपा जो है भगवान का बलि महाराज के ऊपर हुआ और नकली कृपा जो है स्वर्ग वो किसके हुआ, इंद्र को हुआ। तो इस प्रकार से हमें भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, आप कृपा करके हमारे ऊपर असली कृपा दीजिए, कृष्ण प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। बहुत बहुत आभारी आप सब भक्तों का 7 दिन तक अपने उत्साह के साथ साथ दिया। मैं सोलन के परिवार प्रणेश्वर प्रभु रविवंशन प्रभु का बहुत आभारी हूँ, इन्होंने बहुत जो है यह इस प्रकार का कली काल में इस प्रकार का आयोजन वास्तव में माया से टक्कर है, यह आसान नहीं है। इसमें तन का धन का और मन का बहुत संघर्ष होता है, ये सब जो है पार करके ये 7 दिन के कथा को अपने सफल किया। मैं बहुत आभारी हूँ इन परिवार का और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनके ऊपर जय कृपा बरसाए, दिन दुगनी रात चौगुनी वो सुख शांति समृद्धि भक्ति को प्राप्त करें, अच्छे भक्त बने और उनको भक्त बनाते रहें, ऐसे जो है भगवान उनके ऊपर कृपा करें। उनके लिए प्रार्थना करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। साथ ही साथ इस कथा को सफलता का एक जो है रूपरेखा देने में अन्य बहुत सारे भक्तों का हाथ है, अनेक अनेक भक्तों का हाथ है। इन भक्तों का जैसे गौर हरि प्रभु है, मनोहर केशव प्रभु है, अजय देव प्रभु है, नित्य मनोहर प्रभु है, उनके बारे में मैं जानता हूँ तो उनके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने अपना समय दिया। और बहुत सारे माता जी हैं उनके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके ऊपर कृपा करें, वो सब अच्छे भक्त बने और दिन दुगनी रात चौगुनी सुख शांति समृद्धि भक्ति को प्राप्त करें। इनके लिए प्रार्थना करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मेरे ओर से एक छोटा सा प्रयास था, ना तो हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, ना तो हम भक्त हैं भक्त है, ना तो हम वक्ता है प्रवक्ता है, जो भी है गुरु का एक आज्ञा है कि प्रचार करो तो प्रचार करने के लिए निकले हम। ना तो हमें हिंदी अच्छी तरह से आता, ना हमें संस्कृत अच्छी तरह से आता, ना तो हमें तमिल आता है, जो भी है छोटा फोटा भगवान ने गुरुदेव ने कहा प्रचार करो तो हम प्रचार के इस क्षेत्र में लग गए हैं और प्रचार का प्रयास कर रहे हैं। यह एक छोटा सा प्रयास है और इस प्रकार से कथा हम कर रहे हैं तो ये मत समझो कि मैं अपना जो है ज्ञान का जो है एक दिखावा कर रहा हूँ आप लोग के ऊपर, अपना प्रभाव जता रहा हूँ या मेरा जो है प्रभाव जताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम तुच्छ नगण्य जीव हैं, ना हमारे पास ज्ञान है ना तो बुद्धि है, बस थोड़ा बहुत आता है उसी को सुना रहे हैं। बस ऊंचा आसन आप लोग ने दिया है, ये आपके जो है मेहरबानी है और आप इतने विनम्र हैं कि आप जो है एक विनम्रता के साथ जो है यहाँ पे नीचे उपस्थित है। देखिए देखिए बड़बड़ करना बोलना आसान है, बोलना आसान है पर सुनना बहुत मुश्किल है। हर किसी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए भगवान ने हमें एक ही मुंह दिया है और दो कान दिया, अर्थात सुनना महत्वपूर्ण है, बोलना तो हर कोई बोल सकता है पर आप लोग चुप रहकर इतने बोलने के लिए मुझे मौका दिया इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ध्यान से सुन रहे थे, श्रवण की जो ये विधि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग महत्वपूर्ण कार्य थे, हम तो बोलने का कार्य कर रहे थे, आप लोग ध्यान से सुन रहे थे, मैं बहुत आभारी हूँ। और हम
को आपने उन्हें चौकी पे बिठाया और आप लोग जमीन में बैठे। पर देखिए, हम कोई भी बहन, कोई भी बिल्डिंग में जाते हैं, इलाके में जाते हैं, वहाँ पे एक चौकी होता है ना, और चौकी में कौन होता है? चौकीदार। और उस इलाके में जो लोग रहते हैं वो सब कौन होते हैं? जमींदार। तो बताइए, मैं इस चौकी में बैठा हूँ, मैं हूँ चौकीदार, आप लोग जमीन में बैठे हो, आप लोग जमींदार। तो जमींदार बड़ा है कि चौकीदार बड़ा है? तो आप वास्तव में श्रवण कर रहे हैं, आप लोग जमींदार हो, बड़े हो, और चौकीदार को इसी प्रकार से सेवा देते रहना कि वो चौकी पे बैठ कर आप लोग का भक्ति का ध्यान रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब भक्तों का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोग साथ तक श्रवण किए और मुझे प्रोत्साहित किए कि इस प्रकार से मैं सेवा करूं, और ये मेरे लिए परीक्षा था और आप लोग ने मुझे इस परीक्षा में पास करा दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खूब खूब धन्यवाद आप सभी वैष्णवों का महामंत्र के द्वारा।